हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑन वेरी फाइल इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन डिटेल ओके इस बार अपन उनके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दिखाई देते हैं किस तरीके के अरेंजमेंट होती है क्योंकि अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे कहेंगे ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अब वो एटम हो सकते हैं आयन हो सकते हैं या मोलिक्यूल हो सकते हैं वो एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट में ऑर्डर्ड होते हैं ठीक है और ये जो अरेंजमेंट जो होती है लॉन्ग रेंज होती है जैसा कि हमने क्लासरूम वाला एग्जांपल लिया था अगर एक डिसिप्लेंड क्लास है ठीक है तो उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स क्या होंगे एक मैनर के अंदर सिटिंग होंगे बैठे हुए होंगे लेकिन अगर एक नॉन डिसिप्लेंड क्लास है तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो वो शॉर्ट रेंज होगा या फिर अपन कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा ही नहीं ठीक है तो अपन उन ऐसे सॉलिड्स को क्या कहते हैं एमर सॉलिड कहते हैं ठीक है तो अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सोलिड्स की तो उनके अंदर क्या होगा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा तो यहीं से हम समझेंगे क्रिस्टल लेटिस को किसे समझेंगे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर डिपिक्टेड एज पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस तो क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो चाहे एटम हो आयंस हो या मोलिक्यूल्स हो उनको अपन क्या कर रहे हैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट क्या होता है अपना क्रिस्टल लेटिस होता है ये अरेंजमेंट क्या होता है क्रिस्टल लेटिस होता है तो यहां से अपन अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें कि क्रिस्टल लेटिस क्या होगा सो क्रिस्टल लेटिस इज नथिंग बट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ही क्या होता है अपना क्रिस्टल लैटिस होता है ठीक है अब जो पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस हैं थ्री डायमेंशनल में उनके नंबर है फोरटीन सो देर आर फोर्टीन थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस और इनके बारे में सबसे पहले हमें मैथमेटिशियन ब्रावे ने बताया तो हम इनसे क्या कहते हैं ब्रावे लैटिस भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्रावे लैटिस सो so, बेसिकली हम ये कह सकते हैं देर आर फोटीन टाइप्स ऑफ ब्रावे लैटिस ठीक है कितने लैटिस हो गए uh, 14 हो गए क्लियर है ठीक है उसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट सेल की किसकी बात करते हैं यूनिट सेल की तो यूनिट सेल क्या है यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑन रिपीटेशन व्हिच जनरेट होल क्रिस्टल लैटिस क्या कहा मैंने कि क्रिस्टल लेटिस का छोटा सा पार्ट छोटा सा पोर्शन जिसके रिपीटेशन से जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए क्या बन जाए कंप्लीट क्रिस्टल बन जाए उस छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे यूनिट सेल कहेंगे अब इसको समझने के लिए आप एक वॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो मान लीजिए ब्रिक्स की मदद से एक वॉल बनाई गई है ठीक है और सारे की सारी जो ब्रिक्स हैं उनके डायमेंशन सेम है ठीक है उनके डायमेंशन क्या है सेम है तो जो पूरी वॉल है वो अगर एक क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रही है तो एक सिंगल एक सिंगल ब्रिक किसको रिप्रेजेंट करेगी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगी एक सिंगल ब्रिक किसको रिप्रेजेंट करेगी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगी तो वापस से दोबारा से बात करते हैं यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑन रिपीटेशन इन 3 डाइमेंशनल इट जनरेट होल क्रिस्टल लैटिस तो एक ब्रिक लगाई मैंने उसके आगे एक और ब्रिक लगाई फिर एक और ब्रिक लगाई उसके ऊपर भी ब्रिक्स लगा दी उसके पीछे भी ब्रिक्स लगा दी तो इस तरीके से अपने पास पूरी की पूरी ब्रिक बोल आ जाएगी तो सेम कहाँ होता है क्रिस्टल लेटिस में होता है एक यूनिट सेल आई उसके पास दूसरी यूनिट सेल आई फिर उसके पास एक और यूनिट सेल आई और जब अपन इनका थ्री डायमेंशनल रिपीटेशन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा क्या मिल जाएगा एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या होती है ठीक है उसके बाद अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल्स किसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको अपन बेसिकली सिक्स पैरामीटर से समझ सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक को अपन कितने पैरामीटर से समझ सकते हैं सिक्स पैरामीटर से समझ सकते हैं अब इन सिक्स पैरामीटर में आता कौन कौन है तीन आएंगी अपनी डायमेंशन और तीन आएंगे अपने एंगल्स क्या आएंगे तीन डायमेंशन आएंगी और तीन एंगल आएंगे तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया एज ऑफ द क्रिस्टलोटेड एज ए बी एंड सी तो यह क्या है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एक्स के अलोंग क्या है एज लें सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आता है देर आर थ्री एंगल्स एल्फा बीटा एंड गामा देर आर थ्री एंगल्स एल्फा बीटा एंड गामा अब ये एंगल्स बराबर भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं

कितने पैरामीटर एक्सप्लेन कर सकते हैं सिक्स पैरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिक्स पैरामीटर्स के अंदर तीन क्या है डायमेंशन हैं ए बी सी जो कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या है एज लें हैं ठीक है ठीके? और तीन क्या है एंगल्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा और इनकी पोजीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अल्फा कहाँ होगा बीटा कहाँ होगा और गामा कहाँ होगा ठीक है तो ये हो गई बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल की ठीक है आगे चलते हैं अपन तो आगे चल के हम यूनिट सेल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं सो यूनिट सेल कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप्स यूनिट सेल को अपन दो टाइप के अंदर क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं पहला जो टाइप आता है वो आता है यूनिट यूनिट सेल सेल क्या आता है और जो दूसरा टाइप आता है वो आता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल क्या आता है सेंटर्ड यूनिट सेल अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो जो प्रीमेटिव यूनिट सेल होंगे जो प्रमेटिव यूनिट सेल होंगे उसमें कॉन्सेंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करेंगे कहां पे एग्जिस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एग्जिस्ट करेंगे लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होंगे उनके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ बाकी जगहों पर भी हो सकते हैं लाइक like उसके इनसाइड यानी कि बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं उसके फेस सेंटर पे हो सकते हैं तो कहने का मतलब क्या है अगर मैं बात करू प्रीमेटिव यूनिट सेल की तो यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ कहां हो कॉर्नर पर हो तो अपन ऐसी क्या कहेंगे को क्या कहेंगे प्रीमेटिव यूनिट सेल कहेंगे एंड इफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल आर रिप्रेजेंटेड एट कॉर्नर एज वेल एज एट समर पॉइंट लाइक इट्स बॉडी सेंटर इट्स फेस सेंटर ल इज कॉल्ड सेंटर यूनिट सेल क्लियर है तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रीमेटिव यूनिट सेल्स क्या होती है और सेंटर यूनिट सेल क्या होती है ठीक है आप क्योंकि प्रीमेटिव यूनिट सेल को तो अपन आके क्लासीफाई नहीं कर सकते लेकिन बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड ये तीन सब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं किसके लिए सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्योंकि सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है कि कॉर्नर्स पे तो एटम मोलिक्यूल आयन होंगे ही होंगे बाकी जगह पर भी हो सकते हैं तो बाकी किस जगह पे होंगे इस बेस पे इस बेस पे अपन इसको तीन पार्ट्स में क्या कर देते हैं सब डिवाइड कर देते हैं सो वी कैन से दैट सेंटर्ड यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स द फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड द सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड एंड द लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड अब समझते हैं इनमें फर्क क्या है ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होंगे कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे साथ में जो बॉडी डायगनल जो होगा जो बॉडी होगा उसकी सेंटर पर भी होंगे ठीक है सो इन बीसीसी स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड को अपन शोर्ट में क्या कहेंगे बीसीसी कहेंगे इन बीसीसी स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज एट द

तो कॉर्नर पे तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे जो उनकी फेस है उनके फेस के सेंटर पे भी एटम क्या करेंगे मोलिक्यूल या फिर जो आय होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे समझ रहे हो तो कॉर्नर पे तो है ही है साथ में जो फेस है उनके सेंटर पर भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे क्लियर है तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होंगी लास्ट वन इज नथिंग बट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अब एंड सेंटर्ड में क्या होगा एंड सेंटर्ड इज जस्ट लाइक फेस सेंटर्ड लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या था कॉर्नर पे एटम एग्जिस्ट कर रहे थे या कॉन्स्टेंट पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे थे और साथ में जितनी भी फेसेस थी उन सभी फेस पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेंगे और किन्नी भी दो अपोजिट फेस पे किन्नी भी दो अपोजिट फेस पे ही जो है आपका कॉन्स्टेंट पार्टिकल होगा सभी फेस पे नहीं होगा समझ पा रहे मेरी बात सो इन एंड सेंटर्ड इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेज ओनली सिर्फ कोई भी दो किन्हीं भी दो फेस के जो अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के सामने आमने सामने होनी चाहिए उनके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा तो अगर मैं एफ सी सी और ई सी सी में डिफरेंस की बात करूं तो एफ सी सी में जो फेस के सेंटर पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल आ रहे हैं वो सभी यानी कि जो छः सरफेस हैं उसकी सिक्स फेसेज हैं उन सिक्स फेसेज पे आ रहे हैं लेकिन एंड सेंटर्ड में किन भी दो फेस पे ही आएंगे और वो दो फेस भी कैसे होने चाहिए एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए यानी कि आमने सामने होने चाहिए तो यहां पे हमारा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाता है एक बार समराइज कर लेते हैं इस लेक्चर को तो इस लेक्चर में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा हमने पढ़ा क्रिस्टल लेटिस तो क्रिस्टल लेटिस क्या है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस ठीक है अब कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या कह सकते हो कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनको अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो अगर अपन बात करें कितने टाइप के जो है क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल हैं सो इन थ्री डायमेंशनल फोर्टीन क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल दोज आर नोन एज ब्रावे लैटिस उनको अपन क्या कहते हैं ब्रावे लैटिस भी कहते हैं क्यों क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे ब्रावे जिन्होंने इन के बारे में सबसे पहले बताया क्लियर है तो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है ये क्लियर हो गया किसने बताया इनके बारे में ब्रावे ने बताया ठीक है ये भी हो गया उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक की ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल तो का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या आता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एस पॉइंट्स उनको अपन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है कि जिन पॉइंट्स पर आप कॉन्स्टेंट uh, पार्टिकल्स को रख रहे हो उन पॉइंट्स को अपन क्या कहेंगे लेटेस्ट पॉइंट कहेंगे या फिर लेटेस्ट साइट कहेंगे क्या कहेंगे लेटेस्ट पॉइंट कहेंगे या फिर लेटेस्ट साइट कहेंगे और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है क्रिस्टल लेटिस के लिए वो क्या आता है कि इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो जब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो लाइन से तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है इट हेल्प अस टू विजुलाइज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द क्रिस्टल लेटिस जो लाइन ज्वाइनिंग है बिटवीन द टू लेटेस्ट पॉइंट और टू लेटेस्ट साइट ये हमें क्या हेल्प करेगी क्या विजुलाइज करने में हेल्प करेगी कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की किसकी यूनिट सेल की बात की तो यूनिट सेल क्या है यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच जनरेट होल लैटिस ऑन रिपीटेशन इन थ्री डायमेंशनल कि जब आप थ्री डायमेंशन के अंदर स्मोलेस्ट पोर्शन को रिपीट करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाता है और इसके लिए हमने किसका एग्जाम्पल देखा वोल वोल का एग्जांपल देखा जिसमें एक ब्रिक के रिपीटेशन से अपन कंप्लीट वोल बना सकते हैं क्लियर है उसके बाद हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल्स की तो जो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी अपन सिक्स पैरामीटर से समझ सकते हैं सिक्स पैरामीटर्स आर थ्री डायमेंशन ए बी एंड सी विच आर नथिंग बट एज लेंथ अलोंग द डिफरेंट एक्सिस ओके एंड देर आर थ्री एंगल्स एल्फा बीटा एंड गामा वेयर एल्फा इज एंगल बिटवीन द एज इज बी एंड सी एंगल एंगल बीटा इज बिटवीन द ए एंड सी एंड एंगल गामा इज बिटवीन ए एंड बी ठीक पैरामीटर्स हो गए उसके बाद हमने बात किया कि यूनिट सेल को भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं सो यूनिट सेल कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप यूनिट सेल कैन बी क्लासीफाइड द फर्स्ट वन इज प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल तो प्रीमिटिव सेल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा Primitive unit cell particles only at the corners. सिर्फ कॉर्नर पे होंगे लोकेशन वो अदर लोकेशन बॉडी डायगनल का सेंटर हो सकता है या फिर फेस डायगनल का सेंटर हो सकता है क्लियर है तो आगे जाके ये पोजिशन की जो आप कॉर्नर के अलावा जो पार्टिकल रख रहे हो वो कहाँ रखा जाए इसके बेस पर भी अपन सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसको क्लासिफाई करते हैं सब क्लासिफाई करते हैं बीसी तो बी सी सी में क्या होगा डायगेल क्लियर well है एफ सी सी में क्या होगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल एग्जिस्ट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ फेस डायगोनल. क्लियर है एंड द एंड सेंटर्ड में क्या होगा एंड सेंटर्ड इज जस्ट लाइक एफ सी सी फेस सेंटर लेकिन इसमें सिर्फ किनी भी दो फेस पे ही होगा ठीक है तो एंड सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कंजेस्ट पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ फेस डाइगनल ओनली एट टू फेसिस विच आर अपोजिट टू ईच अदर क्लियर है इस लेक्चर में इतना ही आगे अपन बात करेंगे इनकी मोर करेक्टर्स की जो ब्रावे लेटिस हैं उनको अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से पढ़ा जा सकता है क्योंकि जिनके सिक्स पैरामीटर जो हैं ए बी सी अल्फा, बीटा एंड गामा, इनके जो कॉम्बिनेशन होंगे किस तरीके से होंगे इनकी वैल्यू क्या होगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके थैंक यू